हेलो हाय, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी साथी, मैं अंकित सरोही आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार यूपी एग्जाम लैब पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार जबरदस्त तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को लगातार निरंतरता से कर रहे हो। तो सभी क्लास में एक बार जुड़ जाएं और क्लास को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने सभी साथियों तक अवश्य पहुंचा दें क्लास को, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी का। स्वागत जी, स्वागत। जल्दी जल्दी शेयर कर दो एक बार क्लास को भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दो और बोल दो जी जल्दी जुड़ जाओ क्लास के अंदर। सर जी आ चुके हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और आपका होमवर्क के लिए भी बिल्कुल एक क्वेश्चन रेडी है भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, चलो वंदन करते हुए चलते हैं और पहला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई कि पहला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। मेरे भाई सभी चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और पहले प्रश्न को देखिएगा। उससे पहले आप सभी को बताया, आपका जो यूपी कॉन्स्टेबल क्लासेस के लिए क्लासेस चलती है हमारी, मॉर्निंग सेशन में आपका चलता है 8 से लेकर के 12 बजे तक। और वहीं मैं बात करता हूँ इवनिंग सेशन, तो इवनिंग सेशन कब से प्रारंभ होता है, 7 से लेकर और 11 के बाद आपका इसका लास्ट होता है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी आप पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है। बात करते हैं आगे, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर तथा दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। आपको इसका जवाब देना है और बताओ भाई जी, बताओ ना इसका सही जवाब क्या होगा जी। बहुत शानदार, गजब जी। हाँ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखना चाहते हैं कि किसका सही जवाब होगा। एक बार क्लास को सभी जोरदार तरीके से, धुआंधार तरीके से शेयर अवश्य कर देना भाई, शेयर भी अवश्य कर देना बहुत जोरदार तरीके से। देखिएगा, यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई, सवाल में क्या बोला है, सवाल को पढ़ो पहले। सवाल में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, यहाँ ध्यान देते हैं मित्र। आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है बाएं से, यानी कि लेफ्ट से लिखी जाती है, तो लेफ्ट से कौन सा बोला है उसने मेरे भाई, 9वां अक्षर, ठीक है जी, लेफ्ट से 9वां, क्योंकि ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट। वहीं पर आगे बोल दिया गया है क्या, देखिएगा आगे बोला है कि दाएं से 11वें अक्षर, भाई दाएं से क्या होता है आपका 11वां अक्षर, समझना इस चीज को। ये कौन सी साइड है, राइट, इससे कौन सा अक्षर आपका 11वां। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अल्फाबेट का क्रम यानी बाएं और दाएं से बताने का, बोले हाँ जी, मैंने कहा था अगर मैं इसी की बात करूं, मानिएगा 9 पर आपको बताया कि आई होता है, क्या होता है जी, आई। अगर मैं बात करूं पीछे से इसका क्रम कितना होगा, तो आपने बताया था जी योग 27 बनाना होता है हमें, तो कितना होगा, आप बोले जी 9 में 18 जोड़ दो 27 हो गया, तो 18 हो गया पीछे से, बोले हाँ। अब भाई जो पीछे से 11 है आगे से कितना रहा होगा, आगे से कितना रहा होगा, तो आप बोले जी 27 होगा योग आगे वाले क्रम का और पीछे वाले क्रम का दोनों का। मैंने कहा ठीक है भाई 16 की आवश्यकता होगी, कितने की, 16 की, 27 बनाने के लिए, बोले हाँ ठीक है। तो इसका क्रम यहाँ से कितना हो गया, आप बोले जी 16 हो गया, कितना 16। अब बताना क्या है भाई हमें कि इनके बीच में कौन बैठा है आखिरकार, तो देखिएगा ये आई होता है, आप जानते 16 पर आता है पी फोर पैरेट, तो लिख लेते हैं भाई, देखिएगा आई जे के एल एम एन ओ और पी, किसके बीच बताना है आपको, पी और आई के बीच बताना। देखिएगा बीच का मतलब होगा कि उसके राइट और लेफ्ट में दोनों बराबर हो। हम देखते हैं बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, यहाँ पर हम प्राप्त नहीं कर सकते कि इनके बीच में कौन बैठा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दूसरी बात, एक और बात समझ लें साथी, जब भी आपको ऐसे पता चल जाएगा ना, इन दोनों का योग करोगे 9 प्लस 16 करोगे कितना आएगा 25, या ध्यान दीजिएगा अगर योग करने के बाद मेरे भाई आपका विषम संख्या आ रही है, तो आप उसमें बता नहीं सकते कि बीच में कितने बैठे हैं कितने नहीं, यदि सम आती है तो आप बता सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, और बहुत शानदार जवाब दे रहे हो सभी के सभी। अगले पर आ जाते हैं अगला, यदि कमल का अर्थ लिली हो, लिली का अर्थ गुलाब हो, सवाल को अच्छे से समझना, सवाल को अच्छे से समझना कि सवाल में कहा क्या गया है, सवाल के अंदर कहा क्या गया है, आप इसको अच्छे से समझना होगा आपको। बताओ जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही आराम से, तसल्ली से, शांतिपूर्वक पढ़ के सवाल जब जवाब दें, ठीक है भाई, तब जवाब दें। और एक बार क्लास को जल्दी से सभी शेयर कर दो भाई, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। जी बताओ, इसका बताइएगा, पिछले का बहुत बढ़िया जवाब आया सभी का, डी डी डी, जो भी डी दे रहे थे ना, शानदार जवाब था, बहुत शानदार। नमस्कार जी, बी, दूसरे का बी, दूसरे का बी आ चुका है अब तक, मोर, दूसरे का अब तक आ गया है बी। भाई सवाल को समझ लें एक बार, सवाल को मेरे भाई समझ लें, सवाल में क्या कहा गया है, एप्पल, एप्पल भी आ चुका है अब तक। अब देखो, अब सवाल में कहा क्या गया है आपको ये समझना होगा खुद, है ना, आप यही गलती कर रहे हैं, बोले जी क्यों गलती कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, यहाँ थोड़ा सा अपना फोकस लगाएंगे यहाँ पर और देखेंगे भाई, यदि कमल का अर्थ लिली हो, लिली का अर्थ गुलाब हो, गुलाब का अर्थ शेर हो, शेर का अर्थ बाघ हो, बाघ का अर्थ बिल्ली हो, बिल्ली का अर्थ मोर हो, इस वाली लाइन के अंदर आपका इसका जवाब छिपा हुआ है। बोले जी क्यों, सवाल पढ़े, पूछा क्या गया है, राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाएगा,
ये नहीं राष्ट्रीय पक्षी को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा में अंतर है, और राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाएगा, मतलब कि मोर किसे कहा जाएगा, इसमें ये बोला गया है भाई, राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाएगा। तो साथी आपको बताया राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा गया, राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है, मोर पीकॉक, बोले हाँ। तो मेरे दोस्त मोर किसको कहा गया है भाई, बिल्ली को मोर कहा गया है। सवाल को अच्छे से पढ़ के ही हम जब जवाब देंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्ली, कैट, कैट, कैट। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होगा, बिल्ली। समझ में आया सभी के, जो बी वाले थे और सी वाले थे गलत थे मेरे भाई, क्या होगा, बिल्ली सही होगा। कुत्तों ने तो मोर ही लगा दिया डायरेक्ट, अरे या कोड किया गया भाई, कोडित किया गया, इसे तो देख लो। ठीक है, बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है भाई, पढ़ो और फिर करो, इसमें बताना है आपको कि शानदार सा जवाब आएगा सभी का। देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देता हूँ भाई, अब आप इसको अच्छे से करेंगे कि इसमें क्या हमें बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, शानदार, गजब और लाजवाब प्रश्न, देखिएगा, बताओ भाई, बताओ। कैट, कैट, अच्छा जी, बहुत शानदार, कैट बना के भी भेज दी भाई ने, बहुत गजब, अरे वाह, मौज कर दी, धुआं धुआं कर दिया, बिल्कुल। बताए इसका, बताए जी इसका, बताओ भाई किसका क्या होगा, इसमें पूछा क्या है, देखिएगा, अत्यधिक समय हमारे पास नहीं होता है तो हमको बताया कि बताना है, स्वीट कॉर्न सोप को कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे हमें ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जानते हो अगर स्वीट कॉर्न और सोप, इन सभी का जो कोड होगा वो छिपा हुआ है प्रश्न में, आपका जो दिया गया प्रश्न, बोले हाँ जी। तो देखिएगा किसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न सोप, ध्यान दीजिएगा, स्वीट कॉर्न वहां भी है, स्वीट कॉर्न आपको यहाँ भी लग रहा है, तो हो सकता है कि किसी में कॉमन हो, आगे बढ़े और फिर बढ़े स्वीट कॉर्न, अरे वाह गजब, देखो इसमें भी स्वीट कॉर्न है, इसमें भी स्वीट कॉर्न है, बोले जी हाँ बिल्कुल है, देखो ना कैसे, ध्यान देना, अब इस इन दोनों के अंदर कोड में क्या कॉमन था, पाम बाम नाम, पाम बाम लाम, तो भाई पाम और बाम तो कॉमन है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि स्वीट और कॉर्न का क्या आएगा आपका, पाम और बाम तो आएगा ही आएगा, पाम बाम तो आएगा ही आएगा, इसको भी हटा दो है ना, और इसको भी हटा दो, बचे आपके कौन से, सी और डी। अब मुझे पता किसका करना है, सोप का पता लग जाएगी, किसका जी, एस एच ओ पी, सोप। देखिएगा सोप कहाँ है भाई, सोप ये रही। या ध्यान दीजिएगा, सोप के लिए आपको पहले तो कॉर्न का पता लगाना होगा, कॉर्न का, आप बोले जी कॉर्न का बिल्कुल लगा दो, या तो इसमें से कोई सा पाम या बाम में से होगा, तो भाई बाम कॉमन था तो कॉर्न का तो ये हो गया, हटा दो इसको। बात करते हैं स्टार्च का, स्टार्च का क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था स्टार्च दूसरे में, कहाँ थी, दूसरे में था मेरे दोस्त स्टार्च, देखो ये रहा स्टार्च है ना, स्टार्च को, और यहाँ पर लाम लिखा हुआ है तो स्टार्च यहाँ भी है भाई, लाम है क्या, बिल्कुल ये रहा जी, तो ये किसका हो गया आपका, स्टार्च का हो गया लाम, बचा क्या आपका, बचा भाई सोप, और सोप का क्या हो गया, देखो आपको यहाँ से पता पड़ रहा है भाई कि सोप ये रहा मित्र, सोप का कोड बचा है काम, क्या बचा है काम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के ए एम आ जाएगा, और कौन सा है ऑप्शन था जो इस बात को फॉलो करेगा आपका, पाम बाम काम, तो बोले जी ऑप्शन नंबर बी ही है, और बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, बी है और बी ही बिल्कुल सही होगा, शानदार जी शानदार। बहुत शानदार, अच्छा जी तेज बोलेंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल तेज बोलेंगे, आ गया समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में थोड़ा आ गया होगा, अवश्य आ गया होगा, चलो बहुत शानदार, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और थोड़ा सा तेज भी बोलते हैं, आप बोल रहे हो तेज बोलो, ठीक है जी, वैसे एक्सप्रेस रेल नहीं है, आवाज है, थोड़ा सा धीमे भी काम करना पड़ता है आपको। बताओ इसका बताना है मेरे भाई कि गुफा, घोसला, मांग, अरे वाह, गुफा, घोसला और मांग क्या है, क्या है भाई, गांव है, निवास स्थान है, शहर है, अस्तबल है, समझना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बात करूं ये तीनों जो जोड़े बने हुए हैं, ये तीनों के तीनों भाई, ये क्या है आपके, निवास स्थान है, क्या है जी, निवास स्थान है आपके, बोले हाँ जी निवास स्थान है, निवास करने वाले, बोले ठीक है, तो कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गुफा क्या है, गुफा आप जानते हो, गुफा किसका निवास स्थान होता है, वही बात करो घोंसला चिड़िया का होता है, मांद किसी होती है, शेर जहाँ निवास करता है उसको मांद कहा जाता है, तो सभी के सभी तीनों के तीनों क्या है आपके, निवास स्थान है, क्या है जी, निवास स्थान है, ठीक है। देखो आप सोचोगे कि मैं तो गांव लगाता, भाई गांव नहीं लगाते, क्योंकि गांव में भी निवास करते हैं, शहर में भी निवास, अस्तबल में भी कौन करता है, घोड़े निवास करते हैं, तो ये क्या है, बताना था कि तीनों क्या है आपके, निवास स्थान है, बिल्कुल सही होगा बी वाला, बहुत शानदार, बी बी बी, बहुत बढ़िया जी, चौथे का बी, अरे वाह गजब दे रहे हो जवाब है। अगला बताओ जी, अगला क्या होगा है, देखिएगा, देखो जल्दी जल्दी, अरे वाह जल्दी से बताओ, और आप सभी के लिए बहुत शानदार प्लानिंग कर रहे हैं वो की बार, इसमें संडे में देखते हैं कि क्या होता है उस प्लानिंग का। देखो भाई बताओ जल्दी से इसका बताना, निम्न समूह में से सबसे अलग कौन सा, मीटर, मील, फ्लांग और एकड़ या यार्ड, बताओ जी कौन सा है, कौन सा है, अलग छाड़ दो कौन सा है, हमारा मीटर है आपका या एकड़ है, कौन सा है बताओ जी, ध्यान दीजिएगा भाई,
है ना, ये क्या है आपका मीटर है, ये है मील दूसरा वाला, ठीक है भाई, और ये है फरलांग, और ये है मेरे दोस्त एकड़, है ना। इनमें से कौन सा आपका अलग है आपको ये बताना है, बताओ जी, अब जल्दी से कमेंट कर दो, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं थी, सोल्व तो करना ही नहीं है, यहां तो देखते ही उत्तर मिलने वाला प्रश्न था ये, देखो और उत्तर दो। ठीक है, बहुत शानदार, अरे वाह, ध्यान दीजिएगा, हाँ दे रहे सभी, दे रहे सभी फरलांग, ये ध्यान दीजिएगा भाई, मैं बात करूं इसका सही होगा जी एकड़, बोले क्यों दोस्त, एकड़ का मतलब होता है क्षेत्रफल मापा जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना, और मैं बात करूं मीटर, मील, यार्ड, सभी से क्या आते हैं, मीटर किसका है बताओ, लंबाई मापने का, तो ये सभी लंबाई के हैं, बट मैं बात करूं एकड़ से जानना पा जाता है आपका क्षेत्रफल, क्योंकि आपने देखा होगा जब शादी के लिए क्या आते हैं, रिश्ते आते हैं ना, तो बोलते हैं कितनी जमीन है, कितने एकड़ जमीन है, तो ये वही एकड़ है भाई, ये वही एकड़ है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पर चलते हैं मेरे मित्र, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा दोस्त, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है मेरे भाई, इसको देख लो और बताओ जी इसका सही जवाब क्या होगा, इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा छिप रहे थे तो हमने ऑप्शन को कर दिया। देखिए यहां पर बहुत शानदार, मैं आपको बताऊं, आप जरा सी एक हो सकता है कि एक कमी होगी इसमें, उसी को देख करके आप जवाब दोगे इसका, वो कमी क्या है वही आपको देखनी है, वही आपको देखनी है। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, देखो अब मैं बता दूं, चलो आपको यह ध्यान देना थोड़ा सा भाई, ऐसा भी होता है इनमें जब लगातार आता है कि पीछे वाले जो होते हैं एक या दो अक्षर, उनसे अगले वाले का निर्माण होता है। मैं बोला ठीक है, आप बोले जी इससे ई बन रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं ई बन रहा है, आप बोले जी यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये था बी, यहाँ पर आ रहा है, मैंने कहा अच्छा, बोले जी यहाँ पर ए है, तो ये तो क्रम बन गया, बोले नहीं बना। दूसरी बात, अब क्या क्रम बनेगा मैं कैसे बता सकता हूँ इसको, कैसे मैं बता सकता हूँ देखिएगा साथी, आप जानते हो कि यहां पर M जो था पहले नंबर पर था, M यहां पर दूसरे नंबर पर है, M यहां पर तीसरे नंबर पर है भाई, M यहां पर चौथे नंबर पर है, यहां पर M पांचवें नंबर पर है, तो अब की बार जो M आएगा वो कितने पर आएगा, छठे नंबर पर, छह नंबर पर M आएगा। बोले ठीक है जी, देखो पहले में देखो गलत कर दो क्योंकि पहले नंबर पर है, इसमें दूसरे नंबर पर है, इसमें मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सही हो जाएगा सी वाला, क्योंकि इसमें आपका छठे नंबर पर M है और M के आधार पर ही हमें इसे बताना है कि आगे क्या आने वाला है। पता लगा M का स्थान प्रत्येक बार क्या हो रहा है, आगे खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया, बहुत बढ़िया जी। आवाज कम है ठीक है, अब बताइएगा आवाज कैसी है एक बार अवश्य बता दे, अब बता दो भाई कि आवाज कैसी है, अब बताइएगा मेरे मित्र की आवाज कैसी है। देखिएगा 3F6G11I18L आगे प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या आने वाला है, इसी क्रम को जो जारी रखे, यही क्रम जारी रखना होगा और यहाँ पर क्या हमारा आएगा वो आपको बताना है मेरे भाई, क्या 21O 25N 27P या 27Q के बीच में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो उठ के आए और इसको पूरा कर देगा। तो आप बोले सर जी कि इसको पूरा करने के लिए कौन तैयार है, तो देखिएगा हमको सबसे पहले पता लगाना है कि ये किस किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोले ठीक है, देखिएगा 3 से भाई कितना हुआ 6 हुआ मित्र, 6 से कितना हुआ 11, 11 से हुआ आपका 18, तो बोले ठीक है यहाँ पर जोड़ा कितना गया 3 जोड़ा, 6 से 11 के लिए कितना जोड़ा गया भाई आपका 5, भाई 11 से 18 के लिए कितना जोड़ा, तो बोले जी 7 जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा 3 5 7 हो सकता है आपका ये आपके प्राइम नंबर जुड़ रहे हो, अभाज्य संख्या जुड़ती है, अगर अभाज्य संख्या जुड़ रही है तो 7 के बाद 11 होगा और 18 में 11 जोड़ोगे तो 29 मिलेगा, बट 29 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 2-2 के अंतराल पर जोड़ा गया है। तो आप जानते हो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, तो 7 और 2 9, और 9 जोड़ोगे तो 27 आपका आएगा, ये तो पक्का हो गया कि नंबर 27 आएगा भाई, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचे हुए हैं सी और डी, इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा। तो आप जानते हो भाई कि एफ कितने पर है, एफ के बाद ध्यान देना जी प्लस 1 हुआ, बोले जी जी से आई आया कितना हुआ प्लस 2 हुआ, आई से एल आया भाई प्लस 3 हुआ, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट हो रहा है सभी में, प्लस 1 मतलब हर बार बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4, तो अगली बार कितना जुड़ेगा प्लस 4, तो आप जानते हैं L होता है 12 पर, 12 में 4 जोड़ा तो मित्र कितना आएगा 16 यानी 16, और 16 पर होता है क्या P4 रट्टू तोता, तो P आपका यहाँ पर हो जाएगा, और 27P कहाँ है आप बोले जी C वाले में है, 27P C वाले में है 27P, और यही बिल्कुल सही होगा, C वाला बिल्कुल सही होगा, बहुत शानदार जवाब सभी का। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 बहुत बढ़िया जी, C 27P मौज कर दी सभी ने, मौज कर दी, बहुत बढ़िया, अरे वाह गजब, ठीक है। देखिए आपको बताना क्या है आपका,
आठवां प्रश्न बताएंगे भाई इसका क्या सही जवाब होने वाला है आठवें का। आठ प्रश्न का क्या होगा, बोले जी इसका क्या करना होगा भाई, इसको कुछ नहीं करना, इसको क्रम में लगाना है सिर्फ और सिर्फ। क्रम का मतलब क्या है आपका, कि भाई किस किस प्रकार की कौन सी क्रिया पहले होती है, वो आपको ऑप्शन पर डिपेंड होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यदि कुछ नहीं देता है ना कि किस प्रकार की क्रिया है, कैसे है, क्या बताना है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो आप याद रखना मेरे दोस्त कि हमेशा ऑप्शन पर जाओगे और ऑप्शन हमको दिखा रहे हैं कि बढ़ता क्रम है लगातार। कैसा होगा आपका बढ़ता हुआ क्रम जो होगा वही इसका होगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, बताओ जी, ठीक है, अरे वाह, बोल दो जी जय भोले बाबा जी इनको, ठीक है मित्र, शानदार। देखिएगा जल्दी से सभी बताएं और देखिएगा, ये तो कर दिया करो एल आई के ई है ना, इसको नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं यहाँ पर मजेदार तरीके से बताऊंगा भाई, सबसे पहले क्या होता है यहाँ ध्यान देना, पानी में सोखना, कपड़े धोने लग गए सभी के सभी, सभी के सभी कपड़े धो रहे हो, कब तक औरों से धुलवाओगे, खुद धो। सबसे पहले क्या करोगे आप, बोले जी मैं तो पानी में सोखना, मतलब पानी में भिगोगे, तो उसको कहते हैं पानी में सोखना, मतलब कि जी पहले तीन वाला नंबर आएगा। तो देखो ये भी हट गया, ये भी हट गया। दूसरी बात फिर क्या आएगा, बोले जी पानी में सोखने के बाद क्या होगा जी, उसको धुलेंगे, क्या करेंगे धुलेंगे, धुलोगे तो सही, बोले नहीं जी बिल्कुल नहीं धुलेंगे, बोले क्या करोगे पहले, तो आप बोले सर जी कि धुलेंगे का मतलब क्या है बताओ, क्या करोगे पहले धुलोगे, क्या करोगे, बोले जी बिल्कुल धुलेंगे भाई, फिर क्या करेंगे पांच आएगा धुलोगे। मेरे दोस्त धुलने के बाद क्या करा जाएगा, खंगाला जाएगा भाई, धुले धुलने के बाद खंगालने का मतलब कि पानी में से निकाला गया, उसमें वही सरफ तो नहीं रह गया, एक तीन पांच एक, और ऑप्शन डी ऐसा है, इसको ही सही करेंगे। चलो उसके बाद और देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, खंगालने के बाद उसको सुखाया जाएगा, सूखने के बाद आपको उसकी इस्त्री करी जाएगी, यानी कि प्रेस करी जाएगी, इस्त्री का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है। तो कौन सा सही हो गया, सी वाला इसका बिल्कुल सही हो गया, कौन सा वाला, सॉरी डी वाला बिल्कुल सही हो गया, बहुत शानदार जी, कौन सा होगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई आपका, तीन पांच एक चार दो। अगला देखो और इसका बताओ, तीन पांच एक चार दो उसका बहुत शानदार जवाब था, इस वाले का बताओ मेरे भाई इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिएगा वर्गों में मतलब आपको बताना है कि ये जो हमारा बना हुआ है वेन डायग्राम जो बना हुआ है, ये किसको दर्शाता है, किस में, मतलब कि यहाँ पर ये तो कंफर्म बात है कि इस वाले के अंदर ये दोनों के दोनों आने वाले हैं। यहाँ पर हमें ऐसा देखना होगा कि क्या हो, ये दोनों सर्कल जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हो, इसके अंदर आते हो आप बताओ। जैसे कि मैं बात करूं घोड़ा और मैं बात कर दूं भैंस, वे क्या है जानवर है, तो जानवर के अंदर, इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा होने वाला है भाई, कौन सा होने वाला है, बताइएगा जल्दी से कि इसका सही से क्या होगा, ठीक है भाई। चलो चलो चलो, क्या मजाक कर रहे हो जी, इसका बताओ, ए और बी के बीच घमासान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई मैं बात करता हूं, पहला बिल्कुल सही है, क्यों समझना इस चीज को मित्र, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फल, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया भाई फल, क्या हो गया जी फल, तो आप बोले ठीक है फल, देखना समझना, ये क्या है केला, ये क्या है बनाना, और ये क्या है ग्रेप्स अंगूर। आप सभी जानते हो कि सभी बनाना भी क्या होते हैं आपके फ्रूट्स होते हैं, और सभी के सभी ग्रेप्स भी क्या होते हैं फ्रूट्स होते हैं, तो कौन सा होगा पहले वाले को सही, ये वेन डायग्राम दर्शाता है। अब बात करें, जयपुर आपके सामने आ गया है, और देखिएगा आज ऐसी बात आपको बता के जाऊंगा, हालांकि पता भी होगा बहुतों को, मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं ही पहली बार बता रहा हूं, बट नहीं पता है जिनको उनके लिए एक बता के जाऊंगा बहुत शानदार, कि जब भी आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से बताइएगा, जवाब दो भाई, धुआं धाड़ा रहे वाह गजब मौज कर दी, शानदार शानदार शानदार, ए ए ए ए। देखिएगा इसमें बताना है आपको, सवाल में पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा भाई, जल प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब जयपुर को हमें कहां देखना है आपका, जल में देखना है, यानी कि मिरर उसके नीचे रखा हुआ है, उसको देखना है भाई कि वो कैसा दिखाई देगा। देखिएगा आपको पता है कि हमारा जल जो होता है, जल के अंदर क्या कहा जाता है कि टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर और नीचे वाली स्थिति आपस में बदल जाती है, है ना, और लेफ्ट और राइट जो होता है, लेफ्ट और राइट उसमें भाई कोई भी बदलाव नहीं होता है, मतलब वो एज इट इज रहता है, ऐसा का ऐसा जैसे था। तो जब ये बात यहाँ पर कही गई, इसी बात को फॉलो करें, आप जानते हो जे क्या है, टॉप है ये भाई, बिल्कुल टॉप है, और ये है बॉटम, बोले हाँ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, कैसे होगा, आप बोले जी ये नीचे आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन गया, बोले ठीक है बन गया। अगर मैं इसी से निकालना चाहूं तो पहले ही मुझे निष्कर्ष निकल गया कि देख ए में भी नहीं है, बोले क्यों, ए में तो बदला ही नहीं भाई, बी में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया गया बिल्कुल, डी में भी नहीं है भाई, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि पूछा क्या था, आपको समझना होगा जल प्रतिबिंब, अगर पूछता आपका दर्पण प्रतिबिंब तो हम क्या करते, तो हम ट्राई भी करते, तो आर से शुरू होता, तो इसका क्या हो गया, सी हो गया जवाब सभी का, सी सी सी। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, कौन कह रहा है जी, मुझे तो दिख रहा है सर, ठीक है ध्यान दो, चलो नहीं दिख रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है देखिए।
अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ जयपुर, क्या है जी, जयपुर है, दिख रहा है? बोले हाँ जी जयपुर है, समझना इस चीज को, ये लिख के लाया हूँ जी आप सभी के लिए, मेहनत करके, जयपुर जयपुर है, इसको देखना है मुझे वाटर में, वाटर में। तो क्या करना होगा कि ऐसे कागज लो, ऐसे लिखो, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो बता रहा हूं मैं, तो उसको यहीं के ही उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया? बोले हाँ। अब इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाने के बाद कैसा दिख रहा है देखो, मैं कैमरे के पास आता हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा, देखोगे बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? बोले हाँ। अब बोल रहे हो जी अगर दर्पण हो तो दर्पण में कुछ नहीं करना, दर्पण में ऐसे रखना है, सीधा इसको उल्टा ऐसे कर दो तो भाई दर्पण दिख जाएगा आपको, समझ में आई? बोले हाँ ठीक है, जाना पेपर में और थोड़ा सा सर पर तेल लगा के जाना है, उससे क्या होगा आपको कि कागज जो होगा कागज की परत हल्की हो जाएगी जल्दी से, आसानी से आपको, ज्यादा पेन निगाड़ना पड़ेगा। अगर नहीं आता है समझ में आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत शानदार जी, आगे बताओ, अब आगे बता दो, आगे बता दीजिएगा भाई, इसका क्या होगा, इसमें क्या पूछा है कि फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये नहीं पूछा कि बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, इस बात पर भी फोकस करें भाई, जितना हाँ कर सकते हैं बात तो किसी को, उतनी ही नावार भी तो बोल सकते हैं, बोले हाँ तो नावार आ गया है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बोले ठीक है जी बिल्कुल है। दूसरी बात, और किस किस के अपोजिट है, अपोजिट देख लो भाई, ये एक दूसरे के अपोजिट है भाई, बिल्कुल है। मित्र और बचे हुए ऊपर वाले दोनों क्या होंगे, ऊपर और नीचे वाला ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बोले ठीक है, सभी के सभी मैंने अलग अलग कलर से आपका दिखा दिए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अपोजिट आप जानते हो कि पासे का जो नियम कहता है, ये कहता है कि दो अपोजिट जो फेस होने वाले हैं, फलक होने वाले हैं, सतह होने वाली है, वो कभी भी एक पासे में नहीं दिख सकती। बोले जी बिल्कुल नहीं दिखेगी, जब नहीं दिखेगी भाई तो यहाँ पर हम पहले पर आए, पहले पर देखा मैंने ये। आप बोले सर जी कि क्या इनमें से एक दूसरे कोई अपोजिट है, बोले जी बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये बनेगा, हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा वाला नहीं बनेगा। बोले सर कि अगर मैं आता हूँ चार, चार के अपोजिट गया पांच वाला, ये खाली के अंदर सर्कल था, ये बहुत बढ़िया बनेगा, बनेगा। इस पर आते हैं तीसरे पर, तो देखता हूँ पांच, पांच का चार होगा नहीं होगा, मैं बात करूं ये भी नहीं थे। अब आगे क्या, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखो, बोले जी पांच ये सर्कल और ये तो क्या है कि बन रहे हैं, मैं पहले को ही ट्राई करता हूँ, ये पहला क्या कहता है हमारा पांच, ये बोला ये कौन सा नहीं बनाया जा सकता फोल्ड करके। अब इसमें तो सभी के सभी भाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो कौन सा बनता नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा यहां पर अगर बात की जाए तो सभी के सभी बन रहे हैं, देखिएगा क्योंकि चार के अपोजिट पांच है जो नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखा हुआ। दूसरी बात, इसके अपोजिट क्या था आपका, दो नंबर था, इसके अपोजिट क्या है आपका, सर्कल है, डार्क सर्कल, चलिएगा तो इसमें चलो इसमें हो सकता है उनसे कोई थोड़ा सा गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो कहीं ना कहीं, तो इसका जो होगा मैं बताता हूँ आपको साथ ही, इसी को मान लीजिएगा चलो थोड़ी देर के लिए। बोले जी क्यों मान ले, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सर्कल मान लो, इसको सर्कल वाला मान लो डार्क, है ना, इसको सर्कल डार्क मान लो, क्योंकि आप सभी को बताया भाई कोई सा ना कोई सा तो समझाना है आप सभी को। बोले हाँ, इसको सर्कल डार्क अगर मैं मान लेता हूँ इस प्रकार, तो कौन सा अपोजिट होगा जो, मतलब सॉरी, एक दूसरे के अपोजिट है जो एक साथ नहीं दिख सकते, तो बी वाला नहीं बनेगा, कौन सा जी, बी वाला नहीं बनेगा, और बन रहे हैं सर, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने कर दिया क्या अपनी तरफ से, दे दिया भाई जा। अब इसमें बताना होगा भाई, बहुत शानदार प्रश्न था, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है, जरूरी भी नहीं आए, आ सकता है, शक में बात है भाई, शक में बात होती है, तो उसको भी मैं क्लियर कराना होगा। देखिएगा इसमें पूछा है, सीधी सीधी मैं आपको बताऊं कि घनाकार गुटके कोर को 3 सेंटीमीटर का, जिसकी सभी फलक काले रंग से रंगी, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर n बराबर कितना है मेरे मित्र, 3 है, क्या है भाई, 3, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ऐसे कितने गुटके होंगे, ऐसे कितने फलक होंगे जिसमें कोई भी कलर ना हो, जो मतलब रंगा ना हो। देखिएगा अगर इसको रंगा जाता है, किसी भी लकड़ी को समझना, अगर किसी भी आप लकड़ी को रंग रहे हो अंदर से, सॉरी अंदर से नहीं, बाहर से चारों तरफ से रंग रहे हो, तो दोस्त उसमें बीच में से कहीं ना कहीं एक टुकड़ा, एक या दो टुकड़ा या तीन टुकड़ा, जितने भी टुकड़े होंगे ऐसे जरूर होंगे जहां तक कलर नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि एक तरफ से कौन सा रंगेगा भाई, जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, दो तरफ से कौन से रंगेंगे, जो बिल्कुल लाइन पर होंगे, तीन तरफ से कौन से रंगेंगे, जो बिल्कुल कोने वाले होने वाले, जिनकी संख्या 8 होती है, फिक्स होती है, याद रखना, ठीक है। बोले ठीक है, तो बीच में ऐसा होगा, तो उस बीच वाले को ही देखना है। बोले ठीक है जी, ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, ये देखोगे एक तरफ से रंगे हुए हैं, बोले जी हाँ बीच वाले हैं एक तरफ से रंगे हुए। चलो मैं यही आपसे बता देता हूँ, टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पर, वैसे मैं बात करूं तो इसके अंदर भाई टोटल है 27, कितने टोटल 27, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देख लेंगे, विदाउट फॉर्मूला भी देख लें। ये कितने हैं, एक सरफेस कितने हैं, 6, सतह 6 है, तो एक है तो 6 × 6 तो रंगे हो गए, प्लस मैं बात करूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये कितना है, ये यहाँ से दो तरफ से रंगा होगा, तो इसकी संख्या कितनी है, ये क्या है आपका, एक है, एक लाइन पर 12 भुजा होती है, तो भाई 12 ये हो गए, प्लस
कोने वाले कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था आठ होते हैं, आठ जोड़ दो, बारह आठ बीस और छह छब्बीस, टोटल संख्या कितनी थी सत्ताईस, सत्ताईस में से छब्बीस कलर्ड है, तो भाई कितना बचा, एक आपका बचा जो कलर्ड नहीं है, एक आपका बचा मेरे दोस्त जो कलर्ड नहीं है, और इसका फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं जी, आपका जो रंगा ना हो कि n माइनस टू की क्यूब, n माइनस टू की क्यूब, n कितना है तीन माइनस दो, और इसकी पावर तीन कर दीजिएगा, एक एक की घात करोगे तीन, तो एक बादशाह है उसकी घात कितनी भी चढ़ा दो वो एक ही रहने वाला है, तो इसमें से कैसे कितने टुकड़े होंगे जो आपका कलर्ड नहीं है, एक होगा जी, एक होगा, शानदार जी, है ना, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा भाई, बिल्कुल भी क्लास के अंदर अपने आप को एक दूसरा डिमोटिवेट ना करे, ठीक है, देखिएगा जल्दी से जल्दी इसका जवाब दो भाई, अगर डिमोटिवेट हो रहा है कोई भी, लग रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो मैं बताऊं आपको भाई कि जाना और अपने माता पिता के चेहरे को देखना कि उनके चेहरे पर क्या लिखा है, उनके चेहरे पर लिखा दिखेगा आपको कि भाई कामयाब हो जा, हमारी मेहनत जो है उसका फल हमको दे दे, दे दे भाई, तो वो वास्तविकता है भाई, उनकी उन्होंने जितनी मेहनत की है ना, उस मेहनत का फल आपको देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपके पीछे कितने लोगों की खुशी है भाई, आप तो खुद हो, अपना जीवन अच्छे से कटेगा बिल्कुल, जब सरकारी जॉब होगी, माता पिता को बहुत खुशी होगी, आपके छोटे भाई बहन होंगे, मतलब पूरे परिवार को खुशी होगी, और पूरा परिवार क्या होता है आप सभी जानते हो, जब आपका सिलेक्शन होगा तो मौज मस्ती करते हो सभी, ठीक है, क्योंकि आनंद में जीवन क्या है, पैसा, और पैसा आप सभी समझते हैं कि एक सबसे अच्छा साधन क्या है, कि मेहनत करके जॉब लो गवर्नमेंट। चलिए बताओ भाई, इसका बताइएगा, बी बी बी, ध्यान दीजिएगा भाई, बी दे रहे हैं तो मैं देखता हूँ बी पर ट्राई करता हूँ डायरेक्ट, तो देखते हैं बी होगा या नहीं होगा, मतलब कि पहले जी भाग लगाओ फिर मल्टीप्लाई लगाओ और यहाँ पर बराबर सत्ताईस आ जाएगा, बोले ठीक है, देखो देखिएगा, छह में भाग, छह का भाग दिया अठारह में, तो छह दिया अठारह गुणा नौ बराबर कितना आ गया सत्ताईस, ये बात बिल्कुल फॉलो हो गई कि सत्ताईस बराबर सत्ताईस, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो गया, बहुत शानदार है, गजब मौज कर दी, ठीक है। चौदहवां प्रश्न आ गया है भाई, और थोड़ा सा देखिएगा अपनी रफ्तार को हमें बनाना होगा, क्योंकि मेरे मित्र 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न, और ब्लड रिलेशन का प्रश्न था, किसका, ब्लड रिलेशन का है प्रश्न, और इसमें देखिएगा अब की बात प्रत्येक चिन्ह का अलग अर्थ बताया गया है, और उसी चिन्ह के अर्थ को देखते हुए इस समीकरण को भाई सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद फिर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो हम बताएंगे कैसे इस समीकरण को सोल्व करने के बाद, यानी कि इसकी ट्री बनाने के बाद, फैमिली ट्री बन जाएगा, उसके बाद भाई मैं बताऊंगा, बताओ तो जल्दी से देखते हैं कि क्या सही जवाब होगा, क्या चल रहा है भाई, बस बस किसी का भी ध्यान मुझे लग रहा है कि आपका जो भी बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, डिस्टर्ब करने के लिए क्लास को आते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताना है भाई, सबसे पहले मेरे भाई हमको क्या करना है, हम सभी को ये देखना है कि भाई किसका अर्थ क्या है, यहाँ से मैं करना प्रारंभ करता हूँ, आप जानते हो ये क्या लिखा हुआ है, ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ क्या, ध्यान देना, ए बी का पति है, मतलब कि यहाँ पर एस हैज जेड का अर्थ है कि एस जेड का पति है, ध्यान देना भाई, क्या है जी, एस किसका पति है, जेड का पति है, एस जेड का पति है, विवाहित जोड़ा है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, जेड एट द रेट आर, एट द रेट का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ए बी की बहन है, मतलब जेड आर की बहन है, जेड किसकी बहन है, आर की बहन है, बहुत शानदार जी, हो गए आर की बहन, अभी नहीं पता कि आर लड़का है लड़की है, और आप जानते हैं कभी भी ऐसे जब तक पता ना हो तब तक आप वहां पर क्लियर नहीं करते मेल है फीमेल, आगे बढ़े, आर प्रतिशत के, प्रतिशत का अर्थ था ए बी का पुत्र है, मतलब आर के का पुत्र है, अब की बार कंफर्म हो गया कि आर जो है वो किसका पुत्र है, के का पुत्र है, तो लड़का हो गया आर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, और मैंने देखा कि के हैज जे, हैज का अर्थ क्या था कि के जे का पति है, किसका पति है, जे का पति कौन है आपका, के, ठीक है, बोले तो ये पत्नी हो गई, बिल्कुल हो गई जी, आगे बढ़ते हैं भाई, जे एंड टी का अर्थ क्या होगा, तो आप बोले सर जी इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर आ जाओ कि ए बी की माँ है, मतलब जे जो है किसकी माँ है, टी की माँ है, तो टी का बच्चा होगा ये, बोले जी मेरा बच्चा है तुम, तो ये बोलती है कि मेरा बच्चा है तुम, पता नहीं कि लड़का है लड़की है, आगे टी हैज एन, मतलब टी जो है एन का पति, टी एन का पति है, तो भाई यहाँ पर एन रख लिया, और ये किसका पति है, एन का पति है, तो एन का पति हो गया, और ये हो गई महिला, ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री मेरा बन गया, और जब बन गया है फैमिली ट्री, तो सवाल में क्या बताना है, पहला देखते हैं, जे एस की माँ है, जे एस की माँ है, भाई पहला वाला ही गलत हो गया, हमें यही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है,
जे एस की माँ है जी, नहीं जी, जे एस की माँ नहीं है, एस की सासू माँ है, जेड आर और टी की क्या है, ये माँ है, ठीक है, जेड आर और टी की माँ है। दूसरा देख लो, आर और टी भाई है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, जेड टी की बहन है, बिल्कुल है। चौथा, एन के ससुर है, के एन के ससुर है, के एन के ससुर है, बिल्कुल सही बात है जी, एन के ससुर है। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अब आपका आ जाता है भाई, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए तो आपको बताना होगा भाई उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व क्या होगा बताओ ना कि उत्तर पूर्व क्या होगा। बहुत शानदार जी, गजब जवाब दे रहे हो, ठीक है भाई। समझिएगा, आपने एक बात सुनी होगी जब आप बड़े बुजुर्गों में बैठते होगे कि एक चुप सो को हराता है, है ना, एक चुप सो को हराए। तो इन पर ध्यान ही ना दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो और अपनी कमेंट करो, आप आपका जो सही होगा वो, ठीक है। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी भाई इन पर, क्योंकि अशांति फैलाने वाले क्या है, अशांतिक तत्व है, अशांति फैला रहे हैं, तो आप इनसे बचे। बताओ जी, जल्दी से बता दो इसका, बताओ इसका। अरे वाह गजब, बी राइट, इसका बताना है, ध्यान देना। इसमें क्या बोला है इसको देख लो, ये क्या है, दक्षिण पूर्व। सबसे पहले तो आप सभी को बताना है भाई कि यहाँ पर दिशा क्या क्या होती है, तो आपको पता है कि दिशा ये होती है, देखिएगा सभी दिशा और उपदिशा यहाँ पर बनानी होगी, क्योंकि उपदिशा जो होती है तो मुख्य दिशाओं के बीच का एरिया है, उसको कुछ कहा गया है, देखिएगा। इसने कहा है कि दक्षिण पश्चिम, आप जानते हो ये साउथ होता है, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये मेरे भाई ईस्ट होता है। तो ये क्या होता है आपका, साउथ वेस्ट होता है। इसको क्या कहा गया है आपका, नॉर्थ कहा गया, समझना इस चीज को, क्या कहा गया जी, नॉर्थ कहा गया, यानी कि दक्षिण कहा गया है। अब आप जानते हो कि भाई दक्षिण तो यहाँ था और दक्षिण अब यहाँ आ गया, तो कितना घूमा, आप बोले जी एंटी क्लॉकवाइज घूमा 90 डिग्री और 45, कितना घूम गया भाई आपका, 135 डिग्री घूम गया, कितना, 135 डिग्री घूमा एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो पहुंचेगा कहाँ पर, उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर कौन आने वाला है आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन आएगा। तो उत्तर पूर्व पर वह पहुंचेगा जो कितना, 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के पहुंचेगा, बोले ठीक है जी। तो देखोगे आप बोले जी साउथ जो था वो पहले 90 डिग्री घुमा फिर 45 डिग्री, तो इसने टोटल कितना करा, 135 डिग्री करा अपना, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो जी साउथ पहुंच गया। तो मैं बोल दूंगा भाई बिल्कुल आप सही हो, इसका जवाब भी साउथ ही होगा, कि जिस प्रकार से आपका दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, उसी प्रकार उत्तर पूर्व जो होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका दक्षिण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इसी प्रकार उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा। बहुत शानदार, सभी का बढ़िया जवाब है, सभी का बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, आगे प्रश्न नंबर 16 है, और प्रश्न नंबर 16 भाई क्या कहता है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। साथी आप जानते हो यहां पर लिखा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। मेरे भाई प्रश्न आपको देखने के लिए बिल्कुल मिल सकता है आप सभी के पेपर में, तो समझे अच्छे से इसको। इसमें बोला गया है कि बार स्थान चेंज कराता है मेरे दोस्त, क्या जी, स्थान चेंज, समझना। आप जानते हो भाई मित्र कि इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है मेरे साथी, बोले हाँ। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर, तो देखिएगा सचिन जी जो है कितने नंबर पर है, 11वें स्थान पर है, कौन, सचिन, एस से, एस ए सी एच आई एन, ठीक है जी, लेफ्ट से बाएं से, वहीं हम देखते हैं। और राज दाएं से 7वें स्थान पर था भाई, राज जो था कितने नंबर पर था, 7वें नंबर पर है राज, कौन भाई, राज है किधर से, दाएं से, ठीक है। इसके बाद सवाल को आगे पढ़े, सवाल में पूछा गया है, अब बताया गया है कि अगर वे अपने स्थान आदान प्रदान कर ले, मतलब कि भाई यहाँ पर जो सचिन था ना, यहाँ यही तो था, बोले हाँ, आदान प्रदान का मतलब होगी यहाँ तो आ गया राज बाबू और यहाँ पर पहुंच गए सचिन बाबू, समझना इस चीज को, यहाँ पर पहुंच गए सचिन बाबू, ठीक है। अब क्या है, देखोगे यहाँ से आपको एक हिंट मिलती है, क्या हिंट है, आदान प्रदान करते हैं तो सचिन का बाएं ओर से 16वां स्थान हो जाएगा, मेरी बात समझना भाई। अब वो यहाँ पर आ गया सचिन, और सचिन का ये वाला जो स्थान था ना, ये वाला ये बाएं से कौन सा हो गया, 16 नंबर हो गया, 16वां हो गया, किसका, सचिन का बाएं से, सचिन है ये, सचिन कब हुआ, जब उन्होंने अपने स्थान परिवर्तित कर दिए। देखिएगा आप टोटल संख्या कब निकाल सकते हैं, सर टोटल संख्या तब निकाल सकते हैं जब मुझे किसी भी एक व्यक्ति या जो भी पूछा है उसकी दोनों तरफ से स्थिति ज्ञात हो, समझना इस चीज को। देखो कि भाई इसकी लेफ्ट से तो क्लियर हो गई कितनी है सचिन की, बोले जी लेफ्ट से तो क्लियर है 16 है, 16। अब आप बताओ राइट से कितनी होगी, राइट से कितनी होगी, ध्यान देना, ये वाली जो स्थिति थी ना, ये कौन सी थी, ये पहले राज की स्थिति थी, समझना, ये किसकी स्थिति थी, राज की, जब राज की थी, राज की कौन सी थी, 7वें नंबर की थी दाएं, बोले हाँ। जब ये इसके स्थान पर आ गया तो ये भी दाएं से 7वें नंबर पर हो जाएगा, किससे, राइट से 7वें नंबर पर होगा, बोले ठीक है जी राइट से 7 होगा। भाई क्या करते हैं, अब दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो, तो दोनों को जोड़ा 23 और 23 में से एक कम कर दे तो कितना आ गया आपका 22, तो इसमें कितना होगा सही जवाब आपका 22, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा 22। यदि आपको कभी भी
एग्जाम में आता है तो आप क्या करें, कुछ नहीं करें, परिवर्तित करने के बाद जिसकी स्थिति बाद में बताई गई है उसकी स्थिति और जिसके स्थान पर आया है उन दोनों क्रम को जोड़ के एक घटा दो, वहां पर टोटल नंबर आपको निकल करके आ जाने वाला है। आगे बढ़े, देखिएगा आगे सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़ लीजिएगा। अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एलजा एक पंक्ति में बैठे हैं, चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठते हैं, बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठता है, बैठ सकता, अनिल एलजा के बाई बगल में तीसरे नंबर पर और चिराग के एकदम दाई ओर बैठा है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है हमको ये बताना है भाई सभी को, बहुत शानदार जी बताओ, हां जी बताइएगा। देखोगे सवाल अभी 17 हुए हैं, समय हो गया मेरे भाई इतना, जल्दी से बताओ ना, 17 सवाल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ, समय हो गया आपके भाई इतना, जल्दी से जवाब दो मेरे दोस्त, 17वें सवाल पर आए हैं अभी हुआ भी नहीं है। देखिएगा देखिए यहां पर क्या बोला गया है आपका, चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठते हैं, चलो जी चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठते, तो यहां पर मैंने धवन बैठा लिया। आगे बढ़े और देखा, उसने बताया कि नहीं बैठते हैं, बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता किधर से भी, तो दूसरे पर कर लो बीनू को, यहां पर बीनू कर दूं, ठीक है, बोले हाँ जी हो सकता है, यहां भी और यहां भी नहीं बैठ सकता। अनिल एलजा के बाएं बगल में तीसरे नंबर पर बैठा है, एलजा के बाएं तीसरे पर, तो अनिल यहां पर हो गया, देखिएगा यहां पर क्या हो गया आपका, अनिल हो गया और एलजा के बाएं अनिल, एलजा मैंने अगर यहां रख लूं एलजा को, सभी का मुख किधर की तरफ है समझिएगा, सभी का मुख है आपका उत्तर की तरफ, तो एलजा का बाएं बैठा है तीसरा, देखिएगा एक दो तीसरा बैठा है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात हो गई। और उसने बोला कि तीसरे नंबर पर और चिराग के एकदम दाएं बैठा है, तो चिराग के एकदम दाएं बैठा है, बहुत बढ़िया। अब बताना क्या है कि कौन सा इसमें सही होगा, अगर मैं पहले को देखता हूं, अनिल इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, अनिल बाएं से दूसरा है, बिल्कुल सही बात है, अनिल बाएं से दूसरा है, पहला वाला आपका सही होगा, कौन सा भाई, पहला वाला बिल्कुल सही होगा, किसके अनुसार, जिस प्रकार हमें दिया गया था यहाँ पर बैठने का व्यवस्थीकरण, उसी को देखते हुए हमने पता लगा लिया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आपका यह आ चुका है, इसका बताओ कि कथन ये दिया गया है भाई और ये निष्कर्ष था, और कथन और निष्कर्ष को देख करके ही आपको जवाब देना होगा, बताइएगा बी राइट, बी राइट, बी राइट है। चलो पहले का क्या है भाई, इसका ए राइट होगा बी नहीं होगा, क्या जी, ए राइट होगा बी नहीं होगा। अब आप इसका जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो मेरे मित्र, इसमें क्या कहा गया है, कुछ चम्मच प्लेट, क्या करना होगा आपको पता है, कुछ चम्मच, क्या ठीक है जी, कुछ चम्मच यानी कि स्पून, कुछ स्पून क्या है, कुछ चम्मच आपकी प्लेट है, पी कर दिया, बोले ठीक है। आगे बढ़े, कुछ प्लेट टेबल है, तो भाई कुछ प्लेट क्या है आपकी, टी से टेबल, मित्र आगे बढ़ो, कुछ टेबल कुर्सी है, तो आपका सम टेबल आर क्या है, चेयर है कुर्सी, ये मेरा क्या बन गया, आप बोले सर जी की एक ये बन गया मेरा, इसको देखते हुए कथन को देखते हुए एक डायग्राम बनना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, आप बोले ठीक है जी बन गया, बहुत शानदार। देखिएगा ये क्या है जी, नवी हसन के बोल रहे हो आप, क्या है आपको बार बार, बस मैं आपके एक कमेंट पर रुका हुआ हूँ, एक कमेंट को देख रहा हूँ बार बार, बस यही कमेंट आपकी आई जा रही है ना, डीपी कौन सी है तुम्हारी वगैरह वगैरह, क्या बातें चल रही हैं, बिल्कुल निकम्मे हो रहे हो। देखो अब बताना है इसमें कौन सा सही होगा, तो आपने देखा पहले कुछ टेबल चम्मच है, कुछ टेबल चम्मच है, तो आप बोले सर जी कि टेबल ये रहा और क्या है आपका स्पून ये रहा, ध्यान दीजिएगा, टेबल ये रहा और स्पून ये रहा, इन दोनों के बीच रिलेशन है, बोले जी नहीं, तो पहला वाला भाई गलत। दूसरा कुछ कुर्सी प्लेट है, भाई कुर्सी ये रही, चेयर ये रही और मेरे मित्र प्लेट ये रही, क्या इन दोनों के बीच कहीं भी टचिंग है, कुछ बोले जी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां से क्या निकलता है कि दोनों के दोनों दिए गए निष्कर्ष कथन के अनुसार गलत है, बिल्कुल जैसे कथन की हमें स्थिति दी गई है उसको देखते हुए दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न बहुत जोरदार प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया देख लो, इसमें कहा गया कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर आपको पता होगा मैंने भाई आपका काउंटिंग फिगर कराए थे, तो उसमें आपको एक बात बताई थी, उस बात को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका गलत नहीं करोगे, और अब तक तो आप जवाब भी दे देते इसका, अब तक तो इसका जवाब भी दे देते, ठीक है जी, दोनों गलत, बहुत बढ़िया। देखो कैसे आपको बताया था भाई, अगर आपको कोई ऐसी आकृति दी गई है, ऐसी कॉर्नर टू कॉर्नर उसको क्रॉस किया गया है, उसमें ट्राइंगल पूछ ले, तो क्या करना होता है आपको, वहां पर नंबर लिखने होते हैं और मैक्सिमम नंबर जो होता है उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देना होता है, और जितने भी प्राप्त होगा मल्टीप्लाई के बाद उसमें इतने क्या होते हैं हमारे ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, बोले ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो कि कॉर्नर टू कॉर्नर क्रॉस है, बोले नंबर लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने हो गए 6 का दुगुना कर दीजिएगा, 6 × 2 कितने हो जाएगा 12। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे जी ऑप्शन सी 12 हो जाएगी भाई, कितनी 12। आप इस प्रकार भी देख सकते हो, अगर आपके मन में अगर कुछ लग रहा है कि जी ऐसे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 2 × 3 इसमें हो गए भाई, 3 उसमें हो गए 6, 7, 8, ठीक है, उसके अलावा 9, 10,
और दो ऋषि प्रकार बन जाएंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और 12 जिसका भी है सही होगा, बहुत शानदार। देखो इसका बताओ, सोलह नहीं होगा जी, 12 होगा, बहुत बढ़िया भाई, 12 था, 12 सोलह नहीं था मेरे दोस्त, 12 था। इसका देखिएगा, इसमें बोला है, यहां पर आप समझ लीजिएगा, जब भी क्षैतिज दर्पण की बात करता है वो किसकी, आपका क्षैतिज दर्पण की बात करेगा, हॉरिजॉन्टल मिरर की बात करेगा, याद रख लेना, वहां पर जल प्रतिबिंब वाली स्थिति लगेगी भाई, किसकी, जल वाली, जल में समय देखना लगेगा, जैसे कि घड़ी में समय देखते हो, तो जल में देखने वाली लगेगी। बोले जी कैसे करेंगे भाई, क्या करना होगा, कुछ नहीं करना मेरे मित्र, ये क्या है 10:20 है, बोले हाँ, तो हम वहां पर क्या करते थे 18:30 या 70:90 में से घटाते थे। बोले ठीक है जी, 18:30 में से हमको घटा देना होगा, घटाने के बाद कितना मिलेगा, देखिएगा 18:30 एक ये शॉर्ट है बिल्कुल इसका, कि 18:30 में से या तो आप किसका समय घटा दो, घड़ी का घटा दो, तो आपको आ जाएगा क्षैतिज दर्पण का, यदि क्षैतिज दर्पण का घटा देते हो तो घड़ी का आ जाता है। देखिए तो क्षैतिज दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 10:20, तो घटा दीजिएगा सर, कि 10:20 को आप यदि माइनस करते हो 18:30 में से, तो दोस्त कितना आएगा आपका 8:10, कब 8:10 आएगा। क्या मुझे कहीं 8:10 दिख रहा है जी, ऑप्शन सी दिखता है भाई 8:10, और 8:10 ही इसका सही जवाब होगा, कौन सा 8:10 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, सी जवाब दे रहे हो, सी है जी, सी दे रहे हो, बहुत शानदार। 21वां देख लो, 21वें में क्या कहा गया है, देखो अगर थोड़ा सा भी दिमाग का उपयोग करोगे, ज्ञान होगा, तो इसका जवाब आसानी से दे दोगे। बोले जी कैसे, बोल रहे हो जी दिमाग तो मैं बहुत रेस का है, अरे भाई हाँ मुझे पता है, अत्यधिक दिमाग है आप सभी में, अत्यधिक दिमाग है, तभी तो कह रहा हूँ कि उपयोग करो, ठीक है चलो। और देखिएगा आपके बीच जो रहता है ना, जब एग्जाम नजदीक आता रहता है, तो एक द्वंद चलता है किसके बीच, आपके बीच और आपकी नींद के बीच, आप किताब खोल के बैठते हो नींद आती है, किताब खोल के बैठते हो नींद आती है, कारण डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हो इस वजह से, तो भाई डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। और मोटिवेशन कोई किसी को नहीं कर सकता, खुद व्यक्ति अपने आप को मोटिवेशन दे सकता है जितना, उतना कोई नहीं दे सकता। इसका बताओ जी, इसका क्या होगा, ये बताया है सवाल में, पढ़ो भाई सवाल को और सवाल को बताओ। अच्छा जी, हाजिरी लग रही है क्या, यही हूँ भाई, 568 इस समय कितने, 568 मेरे भाई आपके क्या है, लाइव है, बट लाइव नहीं है। देखिएगा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस, भाई गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं पहले तो कमेंट करो, चलो मैं बता देता हूँ, 26 जनवरी को क्या है भाई आपका, 26 जनवरी को बनाया गया, 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को दिन क्या था मेरे दोस्त, शुक्रवार था, समझना इस चीज को, सवाल में क्या बोला गया है, शुक्रवार है, क्योंकि उसने तारीख ना देके गणतंत्र दिवस बोल दिया, क्योंकि उनको पता है भाई एग्जाम दे रहे हैं, इतना तो सभी को ज्ञान होगा, हो सकता है उनको क्या पता है, मूर्ख है ना पता है, तो बताना है कि अगले महीने की 15 तारीख, तो मतलब कि फरवरी की 15 तारीख की बात कर रहा है, किसकी, कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, किसको भाई, कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, देखो दोस्त 26 तारीख का दिन पता है, बोले हाँ, जनवरी महीने में कितने एक्स्ट्रा दिन और बच गए जी, 5 तो जनवरी के हो गए, 15 हो गए फरवरी वाले, तो 15 और 5 20, अब ये 20 दिन बाद बताना है कि क्या होगा। तो आप बोले सर जी 7 से भाग दे लो, तो दे लिया, कितना शेष बचा 6, ये जो 6 शेष बचा है ये क्या करना होगा, इस 6 शेष को बोले कि इस शुक्रवार में प्लस 6 करो, शुक्रवार में प्लस 6 करोगे तो आप जानते हो क्या निकल के आएगा, आप बोले जी बृहस्पतिवार आएगा, क्या आएगा बृहस्पतिवार, और ये बिल्कुल सही बात होगी, बृहस्पतिवार निकल कर आएगा, और मैं देखता हूँ कि 15 फरवरी को क्या होने वाला है आपका, बृहस्पतिवार होगा, और बृहस्पतिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ जी, बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब, क्या मेरे भाई वेडनेसडे होगा या संडे होगा या मेरे दोस्त फ्राइडे होगा या आपका थर्सडे होगा, जल्दी से बता दो जी क्या होगा, देखिएगा जल्दी से बताओ क्या होगा, तो आप बोले जी इसका सही जवाब थर्सडे होगा, है ना, चलो इतना भी नहीं बताया गया, इतना भी नहीं बताया गया किसी पर भी, बहुत शानदार जी थर्सडे होगा। अब आ गई ये वाली बात, यहाँ पर आपको अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल का मतलब समझते हो कि भाई दिमाग को सेंटर में रख के यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा मेरे दोस्त, ठीक है, और उसके बाद कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं इनका आपको बताना होगा मेरे भाई कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है कौन सा नहीं है। कथन को पहले पढ़ लीजिएगा, कथन क्या कहता है, भारत एक औद्योगिक केंद्र है, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंध समस्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि औद्योगिकरण से क्या है, प्रदूषण जो उद्योगों से आप जानते हो, इसमें बोला गया कि भारत एक औद्योगिक केंद्र है और प्रदूषण जो है औद्योगिक जो होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है औद्योगिकरण से, देखो मैं बताता हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा, छोड़ो अगर बात कर ले भाई, सबसे पहले पढ़ो पहला निष्कर्ष देखते हैं, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं। भाई देखिएगा यहां पर सभी के बारे में तो बात नहीं करी गई, और आप सभी जानते हो कि जब भी निष्कर्ष में कभी सभी के बारे में बोल दे, कुछ ना बोला गया जिसके बारे में ना बोला गया हो, समझना मेरी बात,
जैसे यहाँ पर कोई सभी का कोई भी जिक्र नहीं है, नहीं जी, सिर्फ बोला है कि भारत एक औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर ये थोड़ी बोला कि सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है, नहीं जी, तो हटा दिया, गलत, पहला गलत करता है, दूसरा भारत प्रदूषित है, नहीं जी, इसमें कहा गया है क्या भारत प्रदूषित है, सिर्फ कहा गया है कि भारत औद्योगिक केंद्र है और प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है, समस्या है, बिल्कुल, दूसरा भी गलत हो गया, बिल्कुल जी। तीसरा, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, भाई किसने कहा, ये तो कोई भी बात नहीं बोल रहा। चौथे पर मैं ध्यान देता हूं, क्या चौथा सही होगा, तो भाई चौथा सही है, बोले जी क्यों, भारत प्रदूषित हो सकता है, हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि भारत क्या है आपका, बोला गया है औद्योगिक केंद्र है और प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या है, प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से क्या है, संबंध समस्या है, तो हो सकता है, तो कौन सा सही होगा, चौथा वाला बिल्कुल सही बैठने वाला है, बाकी सभी आपके गलत बैठ, बहुत शानदार जी, है ना, बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का जवाब दे रहे हो। अगला देखो, अगला इसमें बताना है कि आपको इसका क्या होगा, एक बार पढ़ो और फिर जवाब दो। बोला गया है भाई, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तर्क, हाँ आप जानते हो जब आपका तर्क लगता है भाई, लॉजिक यानी कि बूझा जाता है, तो उसमें हाँ और ना में दो तरीके से जवाब आता है, बताइएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, पहला बोलता है कि हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, भाई कहाँ, एक बात बताओ यहां पर क्या पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, इस प्रकार की कोई बात है अपनी तरफ से, नहीं जी, इसमें बोला है कि भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो दोस्त पहला वाला तो तर्क गलत हो गया। दूसरा, नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। अरे दोस्त, ये निर्णय कोई भी आप नहीं ले सकते, ऐसा निर्णय कि किसी भी काम को अगर आप करने के लिए सोच रहा है कौन कथन और उसका क्या बता दो, आप ये बता दो भाई परिणाम इसका, कि ये परिणाम होगा वो खतरनाक हो सकता है या खतरनाक नहीं हो सकता, तो दोस्त दोनों में से कोई सा भी मजबूत नहीं है, कोई सा भी मजबूत नहीं है भाई, मजबूत नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं, मतलब कि दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, दोनों गलत है, बहुत शानदार जी, दोनों गलत है, दोनों गलत, दोनों गलत, बहुत बढ़िया दे दिया भाई ने जवाब। अगला देख लो जी, आगे क्या कहा गया है ना जी, आगे क्या कहा गया है, बताओ, दोनों गलत, ठीक है जी, बहुत शानदार, सभी का बहुत बढ़िया, दोनों गलत, दोनों गलत, अरे वाह, ठीक। अब देखोगे प्रश्न नंबर आपका 24 आपके सामने है, यहाँ पर क्या कहा गया है, देख लो, कथन बोलता है क्या और कार्यवाही कहती है क्या, कथन और कार्यवाही में दोनों के दोनों अलग है, एक बार पढ़ो कथन को, फिर भाई पढ़ो कार्यवाही को, और बताओ जी कि क्या सही होगा, बताओ कि क्या सही होगा। देखो, मैं बात करूं, उम्मीद है, समझना, अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे। अब आप जानते हो पखवाड़े का मतलब क्या होता है, 15 दिन, क्या जी, 15 दिन, जैसे आपने देखा कि बहुत सी जगह क्या होता है भाई, अरे यार, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो बोलेंगे तूने इतने समय लगा दिया, तूने इतना समय लगा दिया एक पखवाड़े, मतलब कि 2 दिन का काम एक पखवाड़े में करा, पखवाड़े का मतलब क्या है आपका, 15 दिन। तो कार्रवाई देख लीजिएगा, कथन में कहा गया है कि पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे, कथन बोलता है ऐसा, कार्रवाई कहती है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए भाई जब डुबकी लगाएंगे, पखवाड़े के दौरान हर दिन कितने यात्री डुबकी लगाएं, सरकार को इस बारे में संख्या निश्चित कर देनी चाहिए। भाई आप जानते हो, आप जानते हो कि सरकार निश्चित कर देगी क्या, नहीं जी, निश्चित नहीं कर सकती, आप जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सरकार क्या काम करे कि निश्चित कर दे कि इस दिन सिर्फ 50 डुबकी लगाएंगे, 100 ही डुबकी लगाएंगे, ऐसा हो सकता है जी, बोले नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप सभी समझते हो क्या होगा, बहुत ज्यादा है क्या उपद्रव होने की आशंका हो सकती है, बिल्कुल, तो हम इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना करें जिससे कि क्या हो, हमें वहां पर जिस कार्य के लिए करा जा रहा है, किसके लिए करा जा रहा है, डुबकी लगानी है गंगा में, ठीक है, और गंगा में डुबकी लगानी तो वहां पर क्या होगा, आप सभी समझते हैं कि एक आंदोलन की प्रक्रिया बन जाएगी, क्योंकि वहां पर विरोध हो जाएगा भाई कि निश्चित कर दिए, ऐसा निश्चित नहीं कर सकते, आप सभी समझते हैं निश्चित नहीं की जा सकती ये बात। दूसरा, सरकार को अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, वहां पर क्या होगा कि भाई कुछ दिक्कत ना हो, भगदड़ ना हो, कुछ भी समस्या ना हो, तो इसलिए वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि क्या नाम, पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात कर देने चाहिए, ओके, तो पहला वाला सही नहीं था, दूसरा सही था, बहुत शानदार जी, ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, ओनली सेकंड ट्राई। इसका देखो भाई, ये सीरीज आ गई है आपका नॉन वर्बल सीरीज, और नॉन वर्बल सीरीज में क्या कहा गया है, इसको देख लो जी, इसको क्या कहा गया है, बताओ कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी हमारी आकृति इनमें से आने वाली है जो इसको पूरा कर दे, जिस प्रकार से लगातार क्रमागत चलता चला जा रहा है क्रम, वही क्रम यहां भी आए,
वही क्रम भाई यहां भी आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका बताओ जी, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, शानदार शानदार, ठीक है। चलो और देखिएगा, चलो मैं आपको बता दूं, क्लास के बाद पीडीएफ कहां मिलेगी, रीजनिंग बाय अंकित सरोही पर मिल जाएगी। कहां जी? रीजनिंग बाय अंकित सरोही पर मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पर, ठीक है, जहां मैं डेली भी डालता हूं मेरे मित्र। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बताओ, इसका बताओ जी, इसका क्या होगा सही जवाब, इसका क्या सही जवाब होगा। देखिए अगर मैं देखूं मेरे दोस्त, यहां पर आप जानते हो कि ये क्या है, इधर था ये भाई, इधर है ये भाई, इधर है, मतलब समझे? बोले नहीं जी। मित्र समझो, कोई भी संख्या यहां पर, मतलब कोई भी एरो यहां है, यहां से यहां पहुंच रहा है तो कितना चला, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां पहुंच गया फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब की बार यहां पर आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ये तो बात सीधी होगी कि लाइन सीधी होगी। बोले हाँ जी होगी, सभी में है नहीं बता सकते। आगे दूसरा देखो, दूसरा बोले जी क्या देखें, ध्यान देना, यहां पर पत्तियों की संख्या दो, यहां पर पत्तियों की संख्या तीन, यहां पर पत्तियों की संख्या चार, लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहां पर पत्तियों की संख्या कितनी होनी है? बोले जी पत्तियों की संख्या होगी पांच। भाई बताओ पांच किसमें से दिखती है, इसमें से दिख रही है? बोले हाँ जी दिख तो रही है। तो ये सही होगा गलत होगा? बोले जी बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि निर्माण जो हो रहा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, भाई यहाँ नीचे की तरफ करा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सी होगा, सी होगा, सी शानदार, बिल्कुल शानदार होगा सी। 26 में देख लो भाई, 26 क्या कहता है, 26 में क्या कहा गया है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 26 में अब की बार आपको देखोगे इतनी शानदार सी इमोजी दर दी है कि आंख रख दी गई है ना, कि भाई गुस्से में देख रहे हैं दोनों, तिरछी तिरछी आंखों से। ये क्या है, नीचे की तरफ आंख जो कहते हैं ना, झुका करके शर्मा करके बात कर रहे हैं। दूसरा वाला देखें कि क्या प्रक्रिया करेगा इसकी, बताओ। तो इसमें बताओ ना कि इसमें बताओ भाई क्या होगा सही जवाब। आप बोले सर जी ये क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे को तिरछी आंख से देख रहे हैं, इसने भी देखा, इसने भी पलटवार करा। बोले भाई इसने शर्मा के देखा तो दूसरे को आश्चर्य हो गया, भाई आश्चर्य हो गया। बोले जी कैसे? बोले जी आश्चर्य उसको ये हुआ, अरे भाई ये कैसे देख रहा, यानी कि ये तो होगा नीचे की ऐसे की तरफ। बोले हाँ इसकी दोनों आंखें नीचे की तरफ है भाई, ऊपर की तरफ जाएंगी, कहाँ, ऊपर की तरफ, बताओ आश्चर्य कैसे होता है। तो बोले जी ऑप्शन नंबर डी वाला ही दिख रहा है हमको, तो मैं बोला भाई बिल्कुल ऑप्शन डी ही सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल सही बनेगा ऑप्शन डी। तो भाई आपका बिल्कुल सही हो गया, किसका? 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला वाला, 27 में देखते हैं, 27 का कहता है कि कौन सी आकृति, अरे बाबू कौन सी आकृति इस समूह में शामिल नहीं है। मेरे भाई यहां पर आपको देखना है कि कौन सा अलग है, पहला दूसरा तीसरा है चौथा, चार में से कौन सा अलग है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। देखिए बताओ जल्दी से। हाँ जी ऐसे ही देख रहा है, बहुत बढ़िया। इसका बताओ जी, इसका क्या होगा सही जवाब, इसका भाई सही जवाब क्या होने वाला है, आप ये बता दीजिएगा। देखो मैं बात करने वाला हूं, एक दो तीन चार, भाई इसमें से कौन सा सही होगा हमारा, इसमें से कौन सा मेरे मित्र सही होगा। तो आप बोले सर कि इसमें से हमें विषम छांटना। बोले ठीक है, यहां पर आपने देखा कि दो आकृतियां कलर्ड थी, दो आकृतियां कलर्ड है, यहां पर दो कलर्ड है, बट इसमें दो कलर्ड नहीं है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है देख लो, अगला प्रश्न क्या कहता है सर जल्दी से बताओ। 28 और इसके बाद भाई दो प्रश्न और रह रहे हैं, देखो इसको पूरा करना होगा भाई, इसको मेरे मित्र पूरा करना होगा। अब पूरा करना है तो आप समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान देना दोस्त। ये क्या है, एरो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार होगा। बोले हाँ जी, और इसको पूरा करना होगा, ये रहा ये रहा। बोले हाँ, तो मेरे भाई इस प्रकार से आपका कौन सा बना दिखाई दिया है उसको देख लो, ऐसे। तो बोले जी ऐसे तो दिखाई दे रहा है, मतलब मुझको सिर्फ ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल भाई जवाब सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बताना है कि इसमें से, सवाल को एक बार पढ़ लो, बहुत शानदार सवाल है आपका। इसमें दिया गया है कि कौन सा पैटर्न वो होगा जो इस प्रश्न आकृति को बना सकता है, जो हमारा उत्तर आकृति में ऑप्शन है। बताओ जी 29 का कौन सा सही होगा भाई आपका, देखिएगा मित्र। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पता लगाना होगा, देखिएगा एक आकृति आपका ये रही, समझ रहा ये रही, क्या ये वाली आकृति कही है? आप बोले जी यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका इसमें देख ले पहले कंपेयर, पहले में है, दोनों में है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे मैं बढ़ा और मेरे साथी मैंने आगे बढ़ के देखा तो क्या पाया, ध्यान देना दोस्त, एक आकृति आपका ये रही जो इसको बनाएगी। बोले ठीक है जी, ऐसी आकृति देखोगे पहले वाले में है, बिल्कुल है जी पहले में, देखोगे ये भी है ये भी ये रही दोनों में। आगे बढ़े और देखा कि अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी जी हमें इसकी। इसमें कितने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों तरफ तीन तीन। इसमें है क्या दोनों तरफ तीन तीन? बोले जी इसमें नहीं है, तो इसके लिए ये तो हट गया।
इसमें चल रहा है अभी तक, एक दो तीन, एक दो तीन, ये चलता है आगे। अब जो बची हुई आकृति है तो देखिएगा उसमें क्या है, ये इस प्रकार से दिया गया है मेरे दोस्त, ये है क्या, बोले हाँ जी ये बिल्कुल ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इसमें दी गई सभी के सभी जितने भी क्या है आकृति है, इसको जोड़ करके इसे बनाया जा सकता है। चलते हैं आपके 30वें प्रश्न पर, और इसके बाद आपको मिलने वाला है शानदार सा होमवर्क क्वेश्चन, और देखते हैं कि होमवर्क का आप कौन कौन अच्छे से जवाब देते हो। इसका बताओ इसमें क्या है, इसमें बताया कि प्रश्न आकृति ये रही, और कौन सी उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति छिपी हुई है, कौन सी उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति आपका भाई छिपी हुई है बताइएगा, आपको ये बताना है। ठीक है मित्र, बताओ जी, बहुत बढ़िया जी। इसका देखो साथी, आप जानते हो मैं पहले में देखूं भाई जी, क्रॉस क्रॉस ये लाइन तो है भी नहीं, इधर वाली हटा दो, दूसरा ये लाइन है तो सही, और इस प्रकार से क्या हम कभी ट्रायंगल बनना नहीं बनना, हटा दो। सी देखोगे सी ये रहा, अब भाई ये नहीं बनता। अब फाइनली मैं आ जाऊं तो क्या बनेगा, ध्यान देना, फाइनली भाई मैं आ जाऊं तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं बता देता हूँ। देखोगे इस प्रकार से आपको दिख रही है, बोले हाँ जी ये दिख रही है, और बिल्कुल ऐसा ही हमें कौन से में दिखता है, ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी ही मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब, कौन सा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी के लिए ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, सभी क्लास के बाद इसका कमेंट में जवाब करेंगे कि इसको दर्पण में देखने पर ये कैसा लगता है, आपको ये बताना होगा। ठीक है साथी, और सभी को क्लास कहाँ मिलेगी, इसकी PDF मिलने वाली है रीजनिंग बाय अंकित सिरोही टेलीग्राम ग्रुप पर, तो सभी वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, और इसका जवाब कमेंट में आप क्लास के बाद कर दीजिएगा भाई, क्लास के बाद, और कल की क्लास में इसका आते ही जवाब बताया जाएगा भाई कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सभी का क्लियर होगा। मिलते हैं सभी से फिर कल शानदार 30 प्रश्नों के साथ, तब तक सभी साथी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तब तक सभी साथी अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, और मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, वहां पर जाकर मैथ का आनंद लें। ओके, बाय बाय।